हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको पढ़ाया था डी मार्वर्स थ्योरम, आपको मैंने बताया था सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ क्वेश्चन भी हमने किया था। मैंने ये भी बताया था कि मैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में डील करूंगा। फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले होता क्या, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, फॉर एग्जाम्पल एक्स हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी प्लस आई एस के फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, सी प्लस आई एस के फॉर्म में हम इसको चेंज करने वाले हैं। रूट्स कैलकुलेट कैसे करने वाले? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ रहा है कि एक्स के पावर में हमारे पास सपोज एक्स का क्यूब रूट, एक्स का स्क्वायर रूट या एक्स का एंथ रूट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सपोज एंथ रूट की बात चल रही है, तो ये पावर उधर जाने वाला है ना, ये जो पावर था यहाँ पे अगर 1 बाई एन में लिख रहा हूँ तो ये जो पावर है ये इधर आ जाएगा। हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये जो स्टेप में हमको केयर करना है इस चीज़ का कि हम लोगों को इसका जनरल फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। जनरल फॉर्म मैंने आपको जनरल फॉर्म भी बताया था, ताकि मैंने उस टाइम पे आपको जनरल फॉर्म जो बताया था कॉस और साइन का, उसको हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जब एक्स के हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म का जो जनरलाइज टर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और पावर में मैंने ले लिया सपोज एन, ठीक है, आपको इसका एंथ रूट निकालना है। ओके, तो एंथ रूट का मतलब ये कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ रूट्स का, इसको आपस में रिलेट करेंगे तो क्लियर होगा मैं बोल कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करने वाले किसके बारे में, नंबर ऑफ रूट्स के बारे में, कि टोटल कितने रूट्स निकलने वाले हैं। रूट्स निकलेगा क्या वो तो बात की बात है, कितने नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे। तो एंथ अगर हमारे पास, हम अगर एन रूट की, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट की बात करें तो टोटल कितने रूट निकलते हैं, टू। क्यूब रूट की बात करें टोटल रूट निकलते हैं थ्री। तो वैसे एंथ रूट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो टोटल कितने रूट निकलने वाले, एन रूट्स। बट अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा में बात कर रहे हैं तो जनरल फॉर्म में तो चेंज हमने नहीं किया, तो यहां से तो एक ही रूट निकलने वाला है। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, उसको अगर जनरल फॉर्म में मैं चेंज करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसको जनरलाइज कर लिया, अगर मैंने जनरल फॉर्म को इसमें अप्लाई किया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ कॉस टू, अब यहाँ ऑलरेडी एन है तो मैंने ले लिया इसको टू एम पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन टू एम पाई प्लस थीटा। जनरल फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया इसको, और पावर में हमारे पास एन, एन भी हो सकता है और वन बाई एन भी हो सकता है, जो भी हमारे पास हो। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये n या 1 बाई एन है ना, ऑलरेडी अगर हम लोग 1 बाई 1 की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 1 बाई अगर n की हम लोग बात कर रहे हैं, nth रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, nth रूट दैट मीन्स 1 बाई एन, जैसे स्क्वायर रूट दैट मीन 1 बाई टू, तो ये 1 बाई एन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाई एन ले लेते हैं, चलिए ओके। तो अगर हम लोग nth रूट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स 1 बाई एन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम लोग जब बात करें तो यहाँ पर हम एक चीज़ का केयर करेंगे जो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था, दैट इज डी मार्वर्स थ्योरम, जो अप्लाई तो होने वाला ही है। तो डी मार्वर्स थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि एंगल में जो पावर है वो तो अप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ अब ये एन रूट निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ रूट्स एन निकलेंगे कैसे। तो नंबर ऑफ रूट्स एन निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एम को वेरी कराना पड़ेगा। तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करने वाले, तो एम वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक पता है आपको, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक ये वेरी करेगा। अब इसका ध्यान रखेंगे कि एम वेरी करेगा जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक। तो हमारे पास टोटल यहां से रूट्स कितने निकल चुके, टोटल कितने रूट निकल गए हमारे पास, टोटल रूट निकल गए एन। तो बस इतना ही करना है आपको। इसका मतलब ये किसी इक्वेशन को, किसी हमारे पास वैल्यू को कॉस और साइन में आपने चेंज कर दिया, पहला काम। कॉस और साइन में आपने चेंज किया, उसके बाद का काम क्या, तो उसके बाद का ये काम कि उसको जनरल फॉर्म में आपने लिया, सेकेंड स्टेप। जनरल फॉर्म में लेने के बाद आपने उसमें डी मार्वर थ्योरम लगाया, और उस डी मार्वर थ्योरम में जितने रूट आने वाले, सपोज तीन रूट तो जीरो वन टू, टोटल तीन, सपोज फोर रूट्स तो जीरो वन टू थ्री, दैट मीन्स एन माइनस वन तक आपको एम को वेरी कराना है। ठीक है, तो इस एम को आपको वेरी कहां तक कराना है, एन माइनस वन तक, तो टोटल एन रूट्स आपके पास आ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वहां से हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स के रूट्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये दो स्टेप्स हो गए, फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले तो एंथ रूट भी रूट निकालने वाले वो, उसको हमने चेंज किया किसमें, कॉस और साइन में, उसके बाद जनरल फॉर्म, उसके बाद डी मार्वर्स थ्योरम, और उसके बाद एम की वैल्यू को एन माइनस वन तक वेरी कराना और नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना। बहुत ही आसान है ये, एक बार हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक्स पावर थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसके रूट्स की हम लोग को वैल्यू निकालनी है।
तो बोल रहा है फाइंड ऑल रूट्स ऑफ एक्स पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आने वाले। अगर मैं एक रूट की बात करूं तो ये अंडर रूट हमारे पास माइनस 1 का पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूं, रीराइटिंग। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया एक्स पावर 3 इज इक्वल टू कितना, माइनस 1। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 रेस्ट टू पावर कितना, 1 बाई 3। तो अगर कहें तो एक रूट तो हमारे पास आ गया माइनस 1, बट रूट कितना चाहिए, 3। तो हम यहां पर अपने कम्प्लेक्स का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से आप देखते रहिएगा मैं इसको क्या लिख रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, माइनस 1 प्लस आई इंटू 0, यस और नो, और पावर कितना, 1 बाई 3 इज इक्वल टू। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तो माइनस 1, माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई, है ना। तो अपन ने इसको लिखा कॉस पाई प्लस आई, और 0 को हम लिख सकते हैं साइन पाई। याद रखिएगा डीमार थ्योरम लगाने के लिए हमेशा हमेशा साइन और कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, और ये पावर में कितना, 1 बाई 3। अगर अभी मैं डीमार थ्योरम लगा देता तो भी हमारे पास एक ही आंसर आने वाला है, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास एक आंसर हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ से एक आंसर, यहाँ से एक आंसर, तो दो आंसर आ गए। ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले, हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ चेंजिंग इंटू जनरल फॉर्म, चेंजिंग इंटू जनरल फॉर्म। तो जैसे हम जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे भैया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस पाई, है ना, थीटा की जगह पे पाई है, प्लस i साइन 2n पाई, और ये प्लस पाई, और होल का पावर में कितना आया, 1 बाई 3। बहुत ही आसान ये, तो हमने 2n पाई प्लस पाई लगा दिया। अब इसके बाद जनरल फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई क्या करने वाले हो, अप्लाइंग डी मैवर्स थ्योरम, ठीक है। मैं बिल्कुल लिख रहा हूं इसको, तो हम लिख रहे हैं अप्लाइंग डी मैवर्स थ्योरम। हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स में देखा था कि डी मैवर्स थ्योरम क्या होता है, फिर भी मैं उसको लिख लेता हूँ। इस वीडियो में फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बोले तो सिस थीटा का पावर अगर एन हो तो एन उसके एंगल में अप्लाई हो जाता है, मतलब कॉस न थीटा प्लस आई साइन न थीटा, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको जैसे हमने इसमें अप्लाई किया तो पावर 1 बाई 3 है, लपक के नीचे आएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, कॉस 2n पाई प्लस पाई होल डिवाइड बाई कितना, 3 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई और डिवाइड बाई कितना, 3। हमको पता है कि यहां पर जो n है वो वेरी करेगा कहां तक, n वेरी करेगा जितने पावर हो गए उससे माइनस 1 तक। तो हमारे पास क्या होने वाला है, n को हम वेरी कराने वाले, तो मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू 0, 1, 2, n माइनस 1 दैट मीन्स 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 तक वेरी करने वाला है। अब x की बात करते हैं तो मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, देखते क्या है, तो यहां पर हमने पुट किया 0, तो आ गया पाई बाय 3, तो आ गया कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, दिस इज द फर्स्ट आंसर। आप इसको और भी लिख सकते हैं, हमने लिखा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम गए, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया n इज इक्वल टू 1, तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, कॉस 3 पाई बाई 3, इसका मतलब कॉस पाई, तो ये आ गया कॉस पाई प्लस आई और साइन पाई, ठीक है। एंगल तो सेम होने वाला है कॉस और साइन का, दिक्कत नहीं। लास्ट वैल्यू एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 2 के लिए, सॉरी एन इज इक्वल टू 2 के माइनस 1 तक जाएंगे, मतलब 2 तक जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू, तो जैसे हमने पुट किया एन इज इक्वल टू 2, तो अगर 2 टू 4 पाई और एक प्लस 5 पाई, तो यह आ गया कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3। तो आपके पास ये 3 आंसर आ गया, है ना, तो इन 3 आंसर का फाइनल कैलकुलेशन करके वैल्यू आप लिखने वाले हैं, या आप डायरेक्ट इसको भी आंसर बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल के भी रख सकते हैं। आपको एंगल डालना है कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से आपका एंगल निकलने वाला है, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 180 डिग्री, और वैसे भी अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो पहले हमको दिखी थी कॉस पाई बाय 3, आपको पता होता है कि क्या होता है कॉस पाई बाय, मतलब 6 पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, उसके बाद आप उसकी वैल्यू निकाल के वहां से कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो यहां पर बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहां से वैल्यू आनी चाहिए थी टोटल एक्स के 3, और हमारे पास आ चुकी है 3 वैल्यू, 1, 2 और 3, सो दिस इज अवर आंसर।
एंड दिस द एग्जांपल राइट। मैं एक बार एग्जांपल को फिर से अगर एक्सप्लेन करो, आप ध्यान सुनते जाइएगा, आप वीडियो पे जाके प्रीवियस भी देख सकते हैं कि एक्स पावर 3 प्लस 1 था, हमने उधर लेके गया माइनस 1 पावर 1 बाई 3 आ गया, उसके बाद हमने चेंज किया उसको किसमें, कॉस और साइन में, कॉस और साइन में चेंज करने के बाद कॉस पाई प्लस आई साइन पाई में चेंज करने के बाद आपने तुरंत लगा जनरल फॉर्म में चेंज करते, जैसे जनरल फॉर्म आया आपके पास आपको पता चल चुका है कि पावर 3 है, नीचे आया 1 बाई 3, आपने लगा दिया डी मैवर्थ्योरम के बाद वो वेरी कराना है आपके पास एन को आप वेरी कराने वाले खाता मैक्सिमम एन माइनस 1 तक, दैट मीन्स वॉट 3-1 दैट इज 2 तक, तो आपके n के वैल्यू सेलेक्ट हो गई 0-1-2, आपने जैसे 0-1-2 करी वैल्यू पुट, ये आपके पास 3 आंसर। थैंक यू सो मच। तो एक क्वेश्चन हमारे पास रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन x पावर 7 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में मेरे को क्लियरली विजिबल है कि यार अगर मैं यहां से इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां से पावर बाहर ले लूं x पावर 4, तो मैं रीराइट किया, मैंने लिखा x पावर 4, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया, तो x पावर 4 बाहर आ गया हमारे पास, बचा x पावर 3 प्लस यहां से बचा 1 प्लस, अगर मैंने इन दोनों से 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास x पावर 3 प्लस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना 0। अगर मैं दोनों फैक्टर को अलग अलग लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा x पावर 4 प्लस 1 इनटू x पावर 3 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। अगर दोनों को मैंने कंपेयर किया तो दोनों को कंपेयर करने के बाद यहां से 3 निकलने वाला रूट और यहां से 3। प्रीवियस अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल था पहला वाला ये, तो हमारे पास अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा मैं यहां दिख रहा हूं कंपेयरिंग, तो प्रीवियस एग्जांपल आप जाके सॉल्व करने वाले हैं और x पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, और हमारे पास आ रहा है x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास सेकंड। ठीक है, टोटल आने वाले हैं रूट 7, ऊपर से 3 नीचे से 4। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से 3 रूट्स, तो इसके लिए हम जाने वाले हैं प्रीवियस एग्जांपल में, आप जाके वीडियो देखने वाले हैं, आप इसको प्रीवियस जाने वाले हैं, प्रीवियस एग्जांपल में आप जाने वाले हैं। और मैं बात कर लूँ अगर x पावर 4 प्लस 7 की, तो वो भी प्रीवियस एग्जांपल के जैसा ही होने वाला है। मैं इसके बारे में बात कर लूँ कि स्टेप क्या होने वाली, तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होने वाले, फर्स्ट स्टेप होने वाले इसको सॉल्व करने के लिए x पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1, या इम्प्लाइज करने वाला क्या है x पावर 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना माइनस 1 टू द पावर क्या 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास है एग्जांपल जैसा प्रीवियस में था, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्म। अब इसको बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 की जगह हमने लिखा कितना cos पाई प्लस हमने क्या लिखा i sin पाई और पावर में हमारे पास कितना 1/4। आपको क्लियरली पता है दोस्तों कि हम अप्लाई करने वाले हैं जनरल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या हमारे पास cos 2n पाई और प्लस क्या पाई प्लस आई साइन क्या 2n पाई और प्लस क्या पाई और होल पावर क्या 1/4। आपको पता है कि आप क्या अप्लाई करने वाले, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल आपने देखा आप अप्लाई करने वाले पे डी मैवर्थ थ्योरम, तो हमने अगला अप्लाई किया DMT। अब एग्जाम में ऐसा नहीं लिखने वाले, आप लिखने कैसे वाले हैं, आप जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला आप वैसा लिखने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाले हम इसमें, डायरेक्ट प्रैक्टिस के पार्ट में आ गए। तो हमने 4 को नीचे लेके आया और हमारे पास आ गया कितना cos 2n पाई प्लस कितना पाई होल डिवाइड बाय कितना 4 प्लस आई साइन 2n पाई और प्लस कितना पाई और डिवाइड बाय कितना 4। आपको पता है कि n कहां से कहां वैरी करेगा, n वैरी करेगा 4-1 दैट मींस 3 तक, मतलब क्या होने वाला है 0 कॉमा कितना 1 कॉमा कितना 2 कॉमा कितना 3, बस एक एक करके सारी वैल्यू आप कर देंगे पुट, और उसके बाद आपके पास x की 4 वैल्यू आने वाली, जैसे आपने पुट किया 0 फॉर n इज इक्वल टू 0 वैल्यू 1 मींस फर्स्ट वैल्यू आपकी निकल गई, उसके बाद आपने पुट किया n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3, तो यहां पे आपके पास आने वाले टोटल 4 वैल्यूज लाइक सेम प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया ताकि जस्ट एक रिपीटेशन आ जाए कि हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए कि होने क्या वाला है। तो आप स्टेप भी नोट कर सकते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व, नंबर 1 x कैन बी कन्वर्टेड और एनी वैल्यू कन्वर्टेड इनटू cos प्लस i sin, नंबर 2 देन द cos प्लस i sin कन्वर्टेड इनटू जनरल फॉर्म, नंबर 3 देन द पावर इज मल्टीप्लाइड विद द एंगल बाय द डी मैवर्थ थ्योरम, नंबर 4 देन द जनरल फॉर्म वैल्यू वेरीज टिल द n माइनस 1 और पावर माइनस 1 एंड नंबर 5 पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 1 2 टिल n माइनस 1। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस, इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है, और इसमें मैं रिप्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एकदम फास्ट वैसा हम नहीं करते, आराम से इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है गिवन, ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे गिवन x इज इक्वल टू 1 प्लस आई का पावर कितना मेरे भाई 1/3, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
ओके इक्वेशन नंबर वन हमने दे दिया। अब यार ये बात करना है हम लोगों को कि हमको चेंज करना है किसको, सिस फॉर्म में। तो सिस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले डीमायर थ्योरम के टाइम पे बताया था कि ये हो जाए अगर आर कॉस थीटा, ये हो जाए अगर आर साइन थीटा, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग चेंज करने वाले, ठीक है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप इसको, आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू सेम आती है हमारे पास कॉस और साइन के लिए, तो कॉस और साइन के लिए 45 डिग्री पे वैल्यू सेम आ जाती है, तो मैं उसकी बात भी कर सकता हूँ। बट फिर भी अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जनरल फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू अप्लाई, यहाँ से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टू अप्लाई डी मायर्स थ्योरम, क्योंकि मेन जो हमारे पास टारगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो डी मायर्स थ्योरम है। टू अप्लाई डी मायर्स थ्योरम, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू अप्लाई डी मायर्स थ्योरम putting 1 is equal to r cos theta, comma 1 is equal to r sin theta, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी into में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। हमने r cos theta r sin theta put किया, यहाँ से मैं directly r और theta की value आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 by 1, तो 10 हमारे पास 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो मैं लिख लिया theta is equal to, previous video देखें वो एकदम क्लियर हो जाएगा मैं बोल कह रहा हूँ। तो पाई की वैल्यू, theta की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, पाई बाई फोर, ठीक है। अगर हम बात करें आर की वैल्यू, तो आर हमारे पास आ गया अंडर रूट वन प्लस वन, दैट मीन्स वॉट, अंडर रूट टू। तो ये आर और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। तो आर और थीटा का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करने वाले हैं लास्ट में, फिलहाल हमारे पास रेडी है आर और थीटा की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर टू भी दे सकते हैं, देने की नीड नहीं है, हमने अलग से निकाल लिया। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ देन आर एंड थीटा, देन थीटा एंड आर, ओके। नेक्स्ट हम इसमें जब पुट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन, अब मैं वैल्यू सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होल टू द पावर कितना, 1/3। इसको ऊपर लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं, पुट करें एक बार देख लें कहीं पर कोई मिस्टेक कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू, ओके, तो आर पावर 1/3, तो आर को रहने देते हैं हमारे पास फिलहाल के लिए r, और पावर कितना 1/3, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास cos थीटा प्लस क्या i sin थीटा, और पावर में कितना 1/3, बिल्कुल ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थ्री या टू, जो भी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर टू, है ना। अब फिलहाल जो हमारे पास cos और sin में आने की बात थी वो तो आ चुकी है, हमारा जो अगला टारगेट होने वाला है क्या, इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं लिख रहा हूँ टू चेंज इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म आपको ही पता है क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, और आप साइन थीटा को क्या लिखने वाले हो, या आप लिखने वाले हो साइन सेम 2n पाई और ये प्लस थीटा। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर टू कैसा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल जनरल फॉर्म में। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है। जैसे इक्वेशन टू आया, इक्वेशन टू आ गया एक्स इज इक्वल टू आर रेस टू पावर 1/3, अभी मैं आर और थीटा को बिल्कुल छेड़ नहीं रहा, रहने देता हूँ ऐसे ही, है ना। तो आर इज इक्वल टू आर पावर 1/3, और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस 2n पाई प्लस कितना थीटा प्लस आई साइन क्या 2n पाई और प्लस कितना थीटा, और पावर में आपको पता है कितना है, 1/3 है, ओके। फाइनल हमारे पास वैल्यू कॉस साइन में चेंज, कॉस साइन जनरल फॉर्म में चेंज, जनरल फॉर्म के बाद डी मायर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे अप्लाइंग, अप्लाइंग डी मायर्स थ्योरम, डी मायर्स थ्योरम, आपको पता है कि डी मायर्स थ्योरम क्या होता है ना। डी मायर्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, पावर को अंदर लेकर आते हैं, तो यहां पर हमारे पास पावर को हम अंदर लेकर आते हैं, इस पावर को हम अंदर लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आने वाला देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर रेस टू पावर 1/3 cos 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस i साइन 2n पाई प्लस थीटा और डिवाइड बाई 3, ठीक है। डी मायर्स थ्योरम अप्लाई कर लिया हमने, हम यहां पे ये भी मेंशन कर दे कि हियर n वेरीज फ्रॉम क्या 0 टू मैक्सिमम कितना 3, और मैंने बात करी थी n माइनस 1 की, मतलब 3 माइनस 1 कितना 2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू आप क्या पुट करने वाले, आप पुट करने वाले 0, आप पुट करने वाले 1 और आप पुट करने वाले 2, ठीक, ओके। फाइनल आंसर आने वाला लगभग,
आर और थीटा की वैल्यू पुट करने वाले हम, तो यहाँ पुट करते हैं आर और थीटा की वैल्यू। आर और थीटा की वैल्यू पुट करने के साथ साथ यहाँ पहले बात कर लें किसकी, हम बात कर सकते पहले यहाँ पर 1 0 और 2 पुट करने की, 0 1 2 पुट करने की, उसके बाद हम आर और थीटा की बात कर लें। तो जैसा भी हमको करना है हम वैसा अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं अगर यहाँ पर बात कर लूँ, अगर मैं आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, या पहला केस आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दें, दूसरा केस एन की वैल्यू पुट करके फिर आर और थीटा के बारे में सोचे, जो भी हमको करना कर रहे हैं। जैसे मैं आर और थीटा के यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, फिर एन की वैल्यू 0 1 2 आपको पुट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 टू द पावर 1/3, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, π/4, ठीक है। तो यहाँ पर π/4 हमने पुट किया, तो यह कॉस π/4 हमने पुट किया, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, और यह आ जाएगा 4 3 12, और जैसे आपने 4 पुट किया तो 4 2 8, तो हमारे पास कितना आ गया, और ये पाई भी था, और यहाँ से तो n के साथ ऐड नहीं होगा, फिर हम लिख लेते हैं n के साथ में पाई और 8, और ये प्लस पाई, और प्लस आपके साथ सेम एंगल आने वाला है साइन के साथ, साइन के साथ क्या आ गया 8n पाई प्लस पाई, क्योंकि पाई बाई 4 था, और 4 3 12, ठीक, ओके। सो फाइनल हमारे पास आ चुका भैया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करने वाले हैं क्या, इस इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करने वाले हैं n की वैल्यू। तो यहाँ पर हम अब n की वैल्यू बारी बारी से पुट कर ले, 0 1 और 2, है ना। तो पहले मैं 2 को थोड़ा सा पहले मैं और सॉल्व कर देता हूँ, या डायरेक्ट पुट कर लेते, तो मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, ये हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 0 के लिए, चलिए n इज इक्वल टू 0 पुट किया हमारे पास, तो क्या आया, ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू, ये x1 ले लेते हैं, 2 रेस्ट पावर कितना 1/6, अंडर रूट 2 का पावर 1/3, और cos, तो ब्रैकेट में लिया हमने cos, 0 पुट किया तो π/12, ठीक है बिल्कुल, और प्लस i, एंगल सेम होगा π/12, सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड की बात करते हैं हम, n इज इक्वल टू हमने पुट किया 1, तो हमारे पास है x2 इज इक्वल टू सेम 2 पावर 1/6, और जैसे हमने यहाँ पे पुट किया 1, 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया हमारे पास cos 9π/12 प्लस i साइन 9π/12, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट लास्ट वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 हमने पुट किया, और हमारे पास फाइनल आंसर x3 इज इक्वल टू 2 पावर 1/6 तो रहेगा ही। और अब बात कर लेते 2 पुट करने की, तो ये हो गया 8 2 16 प्लस 1 17, तो ये हमारे पास आ गया cos 17π/12 प्लस i साइन 17π/12, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार और फिर से आपको एक्सप्लेन करो, फिलहाल हम अपने आंसर की बात कर ले, तो ये तीनों हमारे पास मिलके एक आंसर बता रहा है, लगभग ये यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। फिलहाल हम स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक रिव्यू करते हैं, जल्दी फास्ट रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू, उसको एक्स के फॉर्म में हमने चेंज किया, एक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू रियल और कॉम्प्लेक्स या रियल और इमेजिनरी के पार्ट में आने वाला, रियल पार्ट को अपने आर कॉस थीटा में चेंज किया, इमेजिनरी पार्ट को अपने आर साइन थीटा में चेंज किया। जैसी कॉस थीटा और साइन थीटा आने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना है। जनरल फॉर्म में चेंज जैसे आपने किया, जनरल फॉर्म में चेंज आपने किया, उसके बाद कार्रवाई चालू होती है किसकी, डी मावर्स थ्योरम की। आर को आप अलग सेपरेट कर दें, डी मावर्स थ्योरम लगाने के बाद आपको एन की वैल्यू को वेरी कराना है पावर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जैसे पावर था 1/3, आपको वेरी कराना था 0 1 और 2 तक, लास्ट में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद का जो काम हो सकता है, हो सकता है आप डेसिमल में अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में आपको कैलकुलेट करनी है, तो डेसिमल में यार आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, इसको आप डायरेक्ट कर दे आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर सारे इंजीनियर्स को अलाउड होता है, उसमें आप वैल्यू डाल दें और डायरेक्टली इन 3 वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स के रूट्स के सॉल्यूशन का। मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूंगा, फिर सारे टॉपिक को एक साथ मैं एक क्वेश्चन की सीरीज के फॉर्म में एक वीडियो में लॉन्च करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।